हेलो फ्रेंड, आज हम फार्मापा चैनल पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉल पाउडर के बारे में, जो कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके किस किस जगह पे यूज़ किया जाता है और कितने फ्लेवर में ये आपको मार्केट में उपलब्ध है। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है ये WHO फार्मूला पे बेस पे होता है, जो कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं, ये आपका सिंपल फ्लेवर में है, वहीं जो बात कर लिया जाए एक ऑरेंज फ्लेवर में आता है आपको, ये मार्केट में उपलब्ध रहता है फ्रेंड। ORS रिहाइड्रेशन साल्ट उसके बेस पे रहता है ऑरेंज फ्लेवर में। चलिए बात कर लेते हैं कि हम इसके बारे में, इलेक्ट्रॉल पाउडर के बारे में, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है लगभग 22 ग्राम के पाउच में आता है, उपलब्ध होता है मार्केट में फ्रेंड। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ द डिहाइड्रेशन और पानी की कमी के केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। टू मस्ट लॉस ऑफ बॉडी वाटर, और बॉडी लॉस जब हो जाता है वाटर का बॉडी में, तो उसका यूज़ किया जाता है। इंडिकेट ऑफ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड कैलोरीज का, इसका जो मेन पर्पज़ होता है यूज़ करने का, ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और कैलोरी को मेंटेन करता है फ्रेंड। वहीं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे वोमिटिंग और डायरिया के केसेस में, इसका यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग द डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के केसेस में किया जाता है इसका यूज़, जैसे कि बॉडी में जब पानी की कमी आ जाती है, लॉस ऑफ बॉडी ही वाटर। और इसका देख लेते हैं कि इसको मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग बाय द FDC लिमिटेड, ये FDC जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये इसको यूज़ करती है। इसका कॉमनली यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी को ठीक करने के लिए, लो सोडियम लेवल, जब सोडियम लेवल कम हो जाता है, BP लो हो जाती है हमारी, तो उस केस में दिया जाता है। स्टोन के केसेस में दिया जाता है, किडनी स्टोन वगैरह के केसेस में दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है और फ्लूड डिप्लेशन में इसका यूज़ किया जाता है। वहीं इसका इलेक्ट्रॉल पाउडर का प्रेस्क्राइब कब किया जाता है, कब इसको दिया जाता है फ्रेंड, जब एसिडिटी हो जाती है, लो सोडियम लेवल हो जाता है, जब BP डिक्रीज होने लगती है, नीचे गिरने लगती है फ्रेंड, तब उस केसेस में दिया जाता है। किडनी स्टोन के केसेस में दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के केसेस में, फ्लूइड डिप्लेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और वहीं साइड इफ़ेक्ट की बात कर लिया जाए इलेक्ट्रॉल पाउडर की, तो ये नोज़िया, स्किन रैशेस, स्टमक अपसेट, एक्वेट टॉक्सिसिटी में इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था हमारा इलेक्ट्रॉल पाउडर के बारे में, जो कि पूरा फुल्ली डिटेल था। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से फार्मापस चैनल पर अपने मेडिसिन और मेडिसिन टिप्स से रिलेटेड वीडियो आप तक लाते रहते हैं फ्रेंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।